Now we start exercise 4.3, question number 5. In a class test, the sum, matlab addition, of Shefali's marks in mathematics and English. Maths ke marks aur English ke marks dono mila ke 30 hai. Had she got 2 marks more in maths, agar isne 2 marks maths mein zyada liya ho, and 3 marks English mein kam ho jata, their product will be 210. Find her marks in 2 subjects. Now we start the answer. Let Shefali get X marks in maths. Total marks of mathematics and English equal to 30. Therefore, marks in C get 30 minus X marks in English. Total mark कितने थे? 30 थे. मैथ्स के अंदर x मार्क्स है, तब कितने बचे हैं? 30 माइनस x, वो इंग्लिश में है. द प्रोडक्ट ऑफ इफ इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, सी गेट x प्लस 2 मार्क्स, 2 बढ़ा है ना, x प्लस 2 मार्क्स हो गए. एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश देयरफॉर 30 माइनस x मार्क्स तो ऑब्टेन किए थे, माइनस 3 कर दो, मीन्स 27 माइनस एक्स मार्क्स. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर विल बी 210. वो सब्जेक्ट मार्क्स equal to 210, x plus 2, 27 minus x equal to 210. Now we get x plus 2 into 27 minus x equal to 210. Therefore x into 27 minus x plus 2 into 27 minus x equal to 210. X into 27, 27x plus x square, 27 2 jar, 54 minus 2x equal to 210. 27 minus 2x, 25x minus x square plus 54 equal to 210. हम सभी साइड चेंज करेंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे. देयरफॉर x square 25x plus 210 minus 54 equal to, therefore x square 25x plus 10 minus 4 6, 9 minus 10 minus 5 5, 156 equal to 0. A equal to 1, B equal to minus 24, C equal to 156. Is compare with
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी माइनस 25 होल स्क्वेयर माइनस 4a इंटू 625 माइनस 64 जा 24, 254 जा 20 प्लस 24 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, बी की वैल्यू माइनस इंटू माइनस 25 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 2 इंटू 1, एक्स इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 25 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 अपॉन 2 25 माइनस 1 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 26 अपॉन 2 एक्स इक्वल टू 24 अपॉन 2 मतलब 12 13 टू जा एक्स इक्वल टू 13 एक्स इक्वल टू 12। समथिंग इज रॉन्ग, एडिशन 30 होता नहीं होगा। तो हम नंबर वन, इफ मार्क्स ऑफ मैथ्स इक्वल टू 30, तो मार्क्स ऑफ इंग्लिश 30 माइनस 13 इक्वल टू 17। इफ मार्क्स ऑफ मैथ्स 12, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए, 30 माइनस 12 इक्वल टू 18। तो मैथ्स 13, इंग्लिश 17, मैथ्स 12, इंग्लिश 18। दीज आर द आंसर। थैंक यू।